हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। हम भी बहुत अच्छे हैं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है यूनिक क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि हमारे जो नबी थे उनकी क्या क्या खूबियां थी, जो हमारा क्रिएटर है उन्हें क्या क्या खूबियां देके भेजा था। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान, अगली उम्मतों में ये होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी, जला के राख कर देते थे। अहले ईमान थे सही, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, उनकी बात हो। 700 किलोमीटर दूर था तबूक, आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। 5 खुशियात, जमीन सजदा का माले गनीमत हलाल कर दिया गया। वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है। वो कहते थे ना जिन्नात का असर है, शैतान भी तो जिन है ना, बल्कि ये तो अल्लाह का फरिश्ता इनपे नाज़िल होता है। फअयना तज़हबून, तो किधर फिरे जा रहे हो, इस कुरान से क्यों भाग रहे हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो नसीहत नहीं है मगर सारे जहान वालों के लिए। ये हुआ की जमीर कुरान की तरफ भी जा सकती है और नबी इस्लाम की तरफ, कि ये नबी अज़िक्र है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की याद दिलाने वाली हस्ती है सारे जहान वालों के लिए। उमार सल्ला का इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरं व नदीरा, और हमने इस नबी इस्लाम को नहीं भेजा मगर पूरी इंसानियत के लिए डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने। उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बना। तो बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने 5 क्वालिटीज ऐसे दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं थी। उनमें से पहली क्वालिटी यह है कि पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी गई है। अगली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते थे और मेरे लिए अल्लाह ने पूरी जमीन सजदा का, जिधर मेरे उम्मती चाहे नमाज दा। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया। जंग में काफिरों का छोड़ा हुआ सामान, अगली उम्मतों में ये होता था कि जो जंग में काफिर छोड़ के सामान जाते थे ना, उसे एक ओपन मैदान में रखा जाता था, एक गैबी आग आती थी, जला के राख कर देते। लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत के लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। सूरतुल अनफाल नाज़िल हुई। तीसरा, एक महीने के रोब से अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है, यानी मेरे उम्मती एक महीने की मुसाफत पे होना तो काफरों पे उनका रोब पड़ जाता है। वो तो आड़े जे से काफ मुसलमान था नहीं ना मेरे जे, ये अहलुल जो अहले ईमान थे सही, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, उनकी बात हो। रोमन एम्पायर डर जाती थी, आप देख ले कैसरे रोम 1.5 लाख का लश्कर लेके अरब की सरजमीन पे आया, उसको पता चल गया कि ये कोई नई दावत खड़ी होने वाली है। जिस तरह आज मौलवियों को पता चल गया हर मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ा रहा है, उनको अंदाजा हो गया कि ये कोई आम दावत नहीं जो उठी है, हर गली में आग लगी हुई है। दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो रेनाउंड आलिम हो और मेरे खिलाफ वो झूठे जमाल लगा के लेक्चर ना रिकॉर्ड करवा रहा हूं। उनको पता चल गया ये कोई आम काम नहीं हो रहा, और मैंने पहले भी इनको कहा था कि आप लोग ये ना समझे कि कोई ये आम दावत है, कोई एक मौलवी आया बातें कर रहे और खत्म हो गया, नहीं ना, ये एक सच्चाई पे मबनी दावत है, नबी इस्लाम की मुबारक दावत है जो अल्लाह ताला ने उठाई है, और उसी पैटर्न के ऊपर नबी इस्लाम की सच्चाई उम्मत तक पहुंचाने के लिए। तो इसके खिलाफ आप खड़े होंगे तो अल्लाह ताला आपको एक्सपोज कर देगा अपनी इमाम के सामने, क्योंकि ये सच्चाई है कुरान और हदीस में जो है। तो वो कैसरे रोम ने जब वो 1.5 लाख का लश्कर लेके आ गया तो नबी इस्लाम ने फिर नफीरे आम कर दी थी, सूरह तौबा नाजिल हुई है ना गजवे तबूक के बारे में, आपकी जिंदगी का आखिरी गजवा। तो ये पहला और आखिरी मौका था जब अनाउंसमेंट हुई कि जो इस गजवे में शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक तसव्वुर हो, इल्ला ये कि कोई मरीज है, कोई माजूर है या औरतें। तो 30,000 का सहाबा का लश्कर लेके, और वो लश्कर भी क्या था, ये ऐसे थे जिनके पाँव में जूतियां भी नहीं थी, और वहां 1.5 लाख की रिजर्व आर्मी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ।
ऑलमोस्ट आप समझ लें 15-20 दिन का रास्ता था पैदल रेगिस्तान के अंदर, 700 किलोमीटर दूर था तबूक, आज भी तबूक अरब के अंदर मौजूद है। यहां से नबी अलैहिस्सलाम चले हैं, उधर से कैसरे रोम जो बदमाशी के साथ पहले आके बॉर्डर में बैठा था वो अपनी फोर्स में वापस चला गया, वरना जंगे यरमूक वहीं पे हो जानी थी। तो अल्लाह ने एक महीने के रोब से मदद फरमाई, तीन चीजें हो गई, यानी जमीन सजदा का, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज, पांच खुशियात, जमीन सजदा का, माले गनीमत हलाल कर दिया गया, एक महीने की मुसाफत से अल्लाह तआला ने मदद फरमाई, और चौथी चीज फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ने अगले अंबिया को कौमों और कबीलों की तरफ भेजा था, मुझे पूरी इंसानियत की तरफ भेजा है, उसकी वजह से मुझे याद आया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, मुझे सारी इंसान। और पांचवी चीज, अल्लाह ताला ने मुझे शफात का इज़्ज़त दिया है, ये पांचवी खुसूसियत है जो मुझसे पहले, ये पांच खुसूसियात किसी पैगंबर को नहीं मिली। इसके अलावा भी खुसूसियात है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है नबी अलैहिस्सलाम की 8 खुसूसियात। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक और खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने खत्मे नबूवत मेरे ऊपर फरमा दी है, नबूवत अपने आखिरी दर्जे में मेरे ऊपर मुकम्मल हो गई है। ये नबी इस्लाम की खुसूसियत इसी सूरत में है कि आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आना, वरना तो खुसूसियत ना रहती। अगर ये किसी खास टाइटल का नाम होता कि जी बाद में भी पैगंबर आते रहे तो वो टाइटल अपनी जगह कायम रहेगा, तो वो तो सारे पैगंबरों को फिर टाइटल मिल जाता है। तो ये 6 खसूसियात, उनमें से एक खसूसियत के सारे जहान वालों के लिए, दिमाग शाह अमिन कुम अस्तकीम, लेकिन हदायत वही पाएगा जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुरान से, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात से हदायत उसे मिलेगी जो खुद भी चलना चाहे। मुझे डॉक्टर सराज साहब की बात याद आ गई, बयानुल कुरान आपको पता, उन्होंने रिकॉर्ड कराया ना, जब आखिरी लेक्चर आया ना 108 नंबर, जिसमें ये पारा नंबर 30 मुकम्मल हुआ, उनके 108 लेक्चरों में वो है हमारा 334वां चल रहा है, 3 times से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एंड पे उन्होंने कहा मैं दुआ करवाता हूँ, लेकिन दुआ कराने से पहले उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा ये दुआ उसी के लिए है जो वाकई चेंज होना चाहता है। अगर दुआ करते वक्त आप ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे दीन इस्लाम पे चला दे, ऐ अल्लाह मुझे नबी इस्लाम के रास्ते पे चला दे, और दिल में ये आ रहा है कहीं चला ही ना दे, दाढ़ी रखनी ना पड़ जाए, अल्लाह और आम की तमीज करनी ही ना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा फिर ये उसी तरह की दुआएं हैं जिस तरह इमाम मस्जिद कराते हैं और चले जाते हैं। तो अगर वाकई आप दुआ करना चाहते हैं तो फिर तो आप दुआ करें, वरना उन्होंने कहा कि मैं भी रूटीन से करवा दूंगा, आप भी रूटीन से कर ले। तो ये बड़ी प्यारी बात है, अल्लाह तआला है कि कुरान में और नबी इस्लाम की हस्ती में उस शख्स के लिए हदायत है जो खुद सीधा होना चाहे। इसका मतलब क्या है कि ये अल्लाह ने रूल बना दिया, जो खुद सीधा होना नहीं चाहेगा उसे अल्लाह भी सीधा नहीं करेगा। तो ये जो आपने कहानियां कराई है, दुआ करो जी अल्लाह तौफीक दे दे, ये कोई चीज ही नहीं इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने तौफीक उसको देनी है जिसने कोशिश करनी है। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थे, आप देख सकते हो कि यार हमारे नबी के को इतनी सारी क्वालिटीज देके रखे हुए थे, और इतना सारे मतलब रहमत दिए हैं हमारे क्रिएटर, आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिला, ये तो हम भी नहीं जानते थे कि यार रियली ये चीज तो जानते थे कि वो लास्ट नबी होने वाले है और उनकी उम्मती हम जितने भी दुनिया के इंसान है वो होने वाले है। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो हमारे जो आखिरी नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे थे, क्योंकि उनके आने के बाद जो इंसान है उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। जो अगर आप पढ़ोगे इस्लाम क्या है, नबी की जो हिस्ट्री है वो पढ़ोगे, तो आप अपने आप को एक उनके जैसे जब ढालोगे तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि उनके जैसा परफेक्ट इंसान कोई नहीं है। वो आए तो जो औरतों के साथ अत्याचार होता था वहां पे, जिंदा औरतों को मतलब दफना दिया जाता था क्योंकि बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, तो हर चीज वो जब आए तो ये एक रहमत थी इंसानों के लिए। तो ये सब चीजें सच में उनकी एक क्वालिटी है कि उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है दुनिया में। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर दे रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, लव यू गाइस।